हाय फ्रेंड्स, मैं आपका अपना डॉक्टर रोहित काकू फ्रॉम मधुसूदन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड मधुसूदन क्लिनिक डोंबिवली। मिल रहे हैं बहुत दिनों के बाद, लेकिन करेंगे बात बिल्कुल खास। जैसे कि हम जानते हैं, आप लोगों ने मुझसे प्रश्न पूछा था, मिस्टर रमेश जी का खास प्रश्न था ये कि डेफिनेटली क्या मैं जिम जा सकता हूँ, किस तरह के एक्सरसाइज है जो डायबिटिक पेशेंट्स ने करने चाहिए, क्या वॉकिंग इनफ है, क्या डंबल लेने चाहिए, क्या वेट बिल्डिंग करना चाहिए, क्या डांसिंग, क्या जुम्मा, क्या होना चाहिए डायबिटीज़ के लिए, ताकि हम अपना डायबिटीज़ कंट्रोल कर सके बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से। ज़बरदस्त माय फ्रेंड्स, ज़बरदस्त। या सो हियर वी गो अहेड विद दिस वीडियो, जिसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का आज डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज जिससे हम अपना डायबिटीज़ कंट्रोल कर सके। सो फ्रेंड्स, आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि डायबिटीज़ का कारण है बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी डाइट लेना, सिडेंट्री लाइफस्टाइल करना, वॉकिंग ना करना, बैठे रहना, हाई कैलोरी डाइट लेना, मैदा खाना, बाहर का बहुत ज़्यादा स्वीट फूड स्टफ्स लेना, हाई कैलोरी डाइट लेना। सो ये सब कारण बन जाते हैं डायबिटीज़ के। इंसुलिन प्रोडक्शन कम पड़ जाता है ये सब को कंट्रोल करने के लिए, और पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बहुत डेफिशिएंट हो जाता है डायबिटिक पेशेंट्स में। सो हम इस तरह से क्लियरली जानते हैं कि इस डायबिटीज़ का मैकेनिज़्म क्या है। सो इसी तरह से हम इसको कंट्रोल भी करेंगे। यस माय फ्रेंड्स, बिल्कुल सही बोला आपने। सो बेसिकली द मैकेनिज्म इज कि हमें सबसे इम्पॉर्टेंट हथियार डायबिटीज़ में है, दैट इज़ वॉकिंग। येस माई फ्रेंड्स, वॉकिंग। सो वॉक वॉक एंड वॉक। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, बारिश हो रही है घर पर चलिए, आंधी तूफान है घर पर चलिए, चलना मत भूलिए माई फ्रेंड्स, चलते रहिए। जब तक आप चलेंगे आपका डायबिटीज़ कंट्रोल होता रहेगा। वॉकिंग मत भूलिएगा, ये डायबिटीज़ से सबसे बड़ा मूल मंत्र है जो आपको दिया है आपके स्वयं खुद के डॉक्टर रोहित काकू ने। सो वॉकिंग करिए, चलते रहिए, सबसे बड़ा मूल मंत्र। प्रश्न आएगा, कितना टाइम चलना है जी? सो उत्तर है 50 मिनट्स कम से कम चलना है जी। 5-6 दिन चलना है, एक दिन का छुट्टी ले सकते हैं माय फ्रेंड्स। 50 मिनट्स वॉकिंग इज़ रिकमेंडेड। अमेरिकन डायबिटोलॉजी एसोसिएशन ने भी 50 मिनट्स का वॉकिंग रिकमेंड किया है एटलीस्ट 6 डेज अ वीक। सो चलते रहिए, अपना कैलोरीज बर्न करते रहिए, डायबिटीज कंट्रोल करते रहिए फ्रेंड्स। सो अब आ जाते हैं जिम की बात पे। सो जिमिंग में बेसिकली क्या होता है, जिमिंग में होता है कार्डियो, रनिंग, वॉकिंग, ट्रेडमिल, ये आ जाता है वॉकिंग में। दूसरा आता है मसल बिल्डअप, बिल्डिंग द मसल्स डूइंग जिमिंग। इसमें होते हैं डंबल्स, वेट लिफ्टिंग, ऑल दैट। बेसिकली इससे होते हैं हमारे मसल्स बिल्डअप, वी बिकम स्ट्रॉन्ग। देयर आर एक्सरसाइज फॉर पेक्टोरल मसल्स, बैक मसल्स, शोल्डर मसल्स, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, ठीक है। इसी तरह से हम अपने मसल्स बिल्डअप करते हैं। सो बेसिकली मसल बिल्डअप से क्या बेनिफिट होगा डायबिटीज़ में, जैसे कि हमने ये मैकेनिज्म डिस्कस किया था कि डायबिटीज़ का क्या मैकेनिज्म है। सो डायबिटीज़ होने का मैकेनिज्म ये है कि डायबिटीज़ में पेरिफेरल रीयूटिलाइजेशन जो है ग्लूकोज का, वो कम हो जाता है मसल्स में। इसी तरह से मसल मास अगर बड़ा रहेगा तो इनडायरेक्टली डायबिटीज़ कंट्रोल में बहुत अच्छा हेल्प मिलेगा। बेसल मेटाबॉलिक रेट बॉडी का इम्प्रूव होगा, कैलोरीज बर्न होगी। इसी तरह से हम अपने बॉडी में एक सपोर्टिव तरह से अपने एक्सरसाइज करके, मसल बिल्डअप करके पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज को बढ़ा सकते हैं, इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। बेसिकली इससे होगा सेंट्रिपेटल फैट लॉस ऑल्सो विद डूइंग एक्सरसाइज इन द जिम। सो सेंट्रिपेटल ओबेसिटी इज़ द मेन रीज़न, जो ये पेट की जो चर्बी होती है, जो सेंट्रल एरिया की जो चर्बी होती है, इसकी वजह से इंसुलिन सेंसिटिविटी को बहुत बड़ा ठेस पहुँचता है। सो विथ एक्सरसाइज, विथ बिल्डिंग ऑफ मसल्स, विथ कार्डियो, ऑल दिस, ये सेंट्रिपेटल ओबेसिटी पेशेंट की कम हो जाती है। इससे भी ग्लूकोज को कंट्रोल करने में बहुत बड़ी मदद मिलती है। इसी तरह से बेसिकली जिमिंग से, एक्सरसाइज से, मसल बिल्डिंग से डायबिटीज़ को बहुत बड़ी हेल्प मिलती है। सो आप जिम पे जा सकते हैं फ्रेंड्स,
जाइए जाइए, क्या कर रहे हैं, बैठे हैं, जिम ज्वाइन करिए, वॉकिंग करिए, एक्सरसाइज करिए, मसल बिल्डिंग करिए। डेफिनेटली अगर जिम जाने का टाइम नहीं है तो यू कैन टेक 2 लीटर बॉटल्स, जिसके से आप हाथ में लेके बाइसेप्स और ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। वेट लिफ्टिंग की एक्सरसाइज 2 लीटर की बॉटल से कर सकते हैं, ठीक है। देन कम्स योर डांसिंग, डांसिंग से भी कैलोरीज बर्न करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। सो इस तरह से मूवमेंट से, फास्ट मूवमेंट से भी कैलोरी अच्छे से बर्न होते हैं। मेडिटेशन योगा भी हेल्प करता है एंड जुम्बा इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड जिससे हम अपना डायबिटीज़ अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इंतज़ार किस चीज़ का है, लेट्स स्टार्ट वॉकिंग, लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग अवर मसल्स, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज। सो हम एक्सरसाइज करेंगे, अपना डायबिटीज़ कंट्रोल करेंगे। डाइट के टिप्स मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, लेकिन आज जाते जाते एक चीज़ मैं आपसे कहूँगा, प्लीज़ फ्रेंड्स काइंडली लाइक सब्सक्राइब। मुझसे जुड़ने के लिए आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, मधुसूदन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मधुसूदन क्लिनिक हमेशा आपके साथ है। मैं इसी तरह से आपको गाइड करता रहूँगा, आपका अपना डॉक्टर रोहित काकू। सब्सक्राइब करिए एंड वी विल बी देयर विथ न्यू वीडियोस ऑफ डायबिटीज एंड अदर डिजीज ऑल्सो माई फ्रेंड्स। सो मधुसूदन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इज ऑलवेज देयर फॉर यू एंड योर ओन डॉक्टर रोहित काकू इज साइनिंग आउट फ्रॉम दिस वीडियो एंड हैंस विल टेक अ लीव फॉर टूडे एंड बट इस वादे के साथ कि नेक्स्ट वीक एक और अच्छा डायबिटीज का नॉलेज इस वीडियो लेके आऊँगा, जिससे हम बिल्कुल डायबिटीज में अपना डायबिटीज कंट्रोल कर सके। थैंक यू माई फ्रेंड्स, मधुसूदन थैंक यू, सी यू सून एंड मैं चला एक्सरसाइज करने, मिलते हैं एक्सरसाइज के ब्रेक के बाद।